दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को बिल्कुल शुरू से सीखते हैं तो ऐसे में हमें कंप्यूटर के शॉर्टकट के बारे में भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के किस शॉर्टकट से क्या होता है। तो ये कंप्यूटर की बेसिक जानकारी का वीडियो नंबर 5 है, जिसके अंदर मैं आप सभी को कंप्यूटर के A to Z शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूँ। और ये जो शॉर्टकट होंगे वो कंट्रोल के साथ होंगे, यानी कि Ctrl+A से क्या होता है, Ctrl+B से क्या होता है, Ctrl+C से क्या होता है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे Ctrl+Z से, यानी कि Ctrl+A to Z शॉर्टकट के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा, पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा। यानी कि Ctrl+A से क्या होता है उसको ले जा करके आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि Ctrl+A से ये चीज़ होती है, इस तरीके से आपको इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है। यानी पूरा डिटेल में ये वीडियो होने वाला है Ctrl+A to Z शॉर्टकट के बारे में। तो अगर आप भी जो है कंप्यूटर के A to Z शॉर्टकट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए और पूरा लास्ट तक का ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने कंट्रोल के साथ A से लेकर Z तक जितने भी शॉर्टकट्स की बनते हैं उन सभी को यहाँ पर लिख के रखा है। साथ ही उनका पूरा डिटेल में यहाँ पर जानकारी भी लिख करके मैंने रखी है कि इस बटन को दबाने से आखिर क्या होता है। यानी कि पूरा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा कि कंट्रोल के साथ A करने से क्या होगा, कंट्रोल के साथ B दबाने से क्या होगा, कंट्रोल के साथ C दबाने से क्या होगा और किस तरीके से ये काम करता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है ना तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर आप कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर आपको एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं बोलूँ Ctrl+A दबाइए तो आपको कंट्रोल दबाना है। देखिए, इधर भी एक कंट्रोल का बटन है और एक इधर भी बटन है, दोनों में से आप कोई भी कंट्रोल बटन दबा सकते हैं। Ctrl+A दबाइए तो कंट्रोल को आपको दबा के रखना है और इसके बाद A बटन दबाना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ Ctrl+M बटन दबाइए तो आपको कंट्रोल बटन दबा के ही रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, और उसके बाद आपको M बटन दबाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो नए होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और इसके बाद प्लस दबा देंगे, ये वाला ऊपर की साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद एम दबाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो। जब मैं बोलूँ Ctrl+M दबाइए तो कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और एम बटन दबाना है। जब मैं बोलूँ Ctrl+F दबाइए तो कंट्रोल बटन को दबा के रखना है, इसके बाद F बटन दबाना है। तो यहाँ से आपको ये जानकारी मिली होगी कि कैसे जो है बटन को दबाना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि Ctrl+A से क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है, या फिर इसको आप सेलेक्ट ऑल बोल सकते हो। इससे क्या होगा कि पूरे टेक्स्ट को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट जो है टाइप करके रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको Ctrl+A बटन का इस्तेमाल करना सिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप जो है इन सभी टेक्स्ट को एक ही बार में सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है, इसके बाद A बटन दबाना है, तो एक ही बार में ये सारे टेक्स्ट जो है सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी जितना भी हमने लिखा था वो एक ही बार में जो है सेलेक्ट हो गया है। तो हमने यहाँ से सीखा कि Ctrl+A से क्या होता है, ऑल सेट करना। यानी किसी भी टेक्स्ट को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A बटन का जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक बात अब और आपको ध्यान देना है कि सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं सेलेक्ट होते हैं, अगर आपने कोई फ़ोटो वगैरह भी लिया होगा, कोई शेप वगैरह भी बनाया होगा, तो वो भी Ctrl+A से सब के सब सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी इस पेज पे जितने भी चीज़ें होंगी वो सब के सब जो है एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा Ctrl+A बटन दबाने से। दोस्तों, अब बात करते हैं कि Ctrl+B से क्या होता है। तो Ctrl+B बटन दबाने से बोल्ड होता है। बोल्ड का ये मतलब है कि सेलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए थोड़ा सा मोटा हो जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्स्ट लिखे हैं, यहाँ पर पैराग्राफ में है, मैंने आपको क्या बताया, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट और B से क्या मैंने बताया है, बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल दबा के रखना और B बटन दबाना। देखिए, ये बोल्ड हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। बोल्ड का मतलब थोड़ा सा आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा और हाईलाइट होने लगेगा, थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+B से बोल्ड।
इस तरीके से आप कंट्रोल बी का इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रोल बी से बोल्ड। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है। तो किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। सेलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करके दिखाता हूँ। ये जो है कंट्रोल ए से हमने जो है इसे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से हमने जो है इसे कॉपी कर लिया। अभी ये कॉपी हो गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा टेक्स्ट है, ये है, इसको मैं जो है पूरा इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट नहीं करता हूँ, यहाँ पर नीचे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल वी किया मैंने पेस्ट। अभी देखिए ये जो वीडियो प्रोवाइडेड एज पावरफुल वे, तो ऊपर की साइड में देख सकते हो वीडियो प्रोवाइडेड एज पावरफुल वे, यानी जो भी हमने टेक्स्ट को जितने भी सेलेक्ट करके कॉपी किया था वो नीचे की साइड में दोबारा से आ गए हैं, बिना हम ऊपर वाले को डिलीट किए नीचे दोबारा से उसी को पेस्ट करके यानी उसी का डुप्लीकेट बना दिए हैं। तो कंट्रोल सी का हम लोग इस्तेमाल सीख रहे थे। तो कंट्रोल सी से किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को कॉपी किया जाता है, ठीक है, उसको पेस्ट कर दोगे तो वो डुप्लीकेट बन जाता है। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, वो आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर आ गई थी तो मैंने पेस्ट भी आप सभी को थोड़ा बहुत बता ही दिया है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस डी से। तो कंट्रोल के साथ डी बटन दबाने से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कैसे ओपन होता है मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए इस समय जो है हम लोग एमएस वर्ड में हैं और यहाँ पर मैं जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी बटन दबाता हूँ तो देखिए ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। और अब जो है आप अपने ये जो फॉन्ट आपने लिखा है उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो और उसकी साइज़ वगैरह भी बढ़ा सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर इसके अंदर हैं जो कि आगे आने वाली वीडियो में हम लोग जब एमएस वर्ड पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट के बारे में बता रहा हूं, तो शॉर्टकट ही हम लोग बात करते हैं। तो कंट्रोल डी से क्या होता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि कंट्रोल डी से सिर्फ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ही नहीं ओपन होता है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट भी होता है। कैसे डुप्लीकेट होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई फ़ोटो या फिर कोई सेप को जो है बना लिए हो और आप जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हो। देखिए अभी इसको सेलेक्ट करते हैं तो चारों तरफ आप देख सकते हो इस तरीके से बॉक्सेस बन गए हैं। अगर हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो कंट्रोल डी से जब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये देखिए डुप्लीकेट हो गया, देखिए अभी देखिए। लेकिन जब ये सेलेक्ट नहीं रहेगा, अभी देखिए सेलेक्ट नहीं है, तो कंट्रोल डी दबाने से क्या है, फॉन्ट डायलॉग ओपन होगा। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि जब आप कोई पिक्चर को या फिर कोई सेप्स को सेलेक्ट करने के बाद जो है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी बटन दबाते हो तो उसका डुप्लीकेट बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पर भी दबा दूँ तो देखिए ये भी इसका भी डुप्लीकेट बन गया, ठीक है। लेकिन जब कोई पिक्चर या फिर कोई सेप सेलेक्ट नहीं रहेगा और तब जो है आप कंट्रोल डी बटन दबाओगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ आना चाहिए कि कंट्रोल डी से क्या क्या होता है। पहला तो जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, दूसरा क्या है डुप्लीकेट भी होता है, कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस ई से सेंटर होता है। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई बटन का शॉर्टकट जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आ गए हैं और अभी आप देख सकते हो कि ये जो हमारे टेक्स्ट हैं वो सेंटर में नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल जब ई दबाओगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे। अभी ये देख सकते हो सेंटर में है। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर और समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं सोचता हूँ कि जो भी जानकारी दूँ वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको समझ आना चाहिए, तभी ये मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा। देखिए ये मैंने जो अपने चैनल का नाम लिखा है गुलाब गुरु, अभी मैं जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो बता दूँ। देखिए अगर आप एक दो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसके लास्ट में लेकर आइए या फिर इसके लास्ट में लेके जाइए और जिधर टेक्स्ट है उधर माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग कर दीजिए, मतलब उसको खींच दीजिए थोड़ा सा, वो जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अभी जो है कंट्रोल के साथ ई बटन दबाइए तो देखिए ये सेंटर में आए। कंट्रोल ई से आप सेंटर मिला सकते हो, इसी को सेंटर बोला जाता है, ठीक है। जब ये पेज के सेंटर में आ गया तो इसी को सेंटर बोलते हैं, जिसकी शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस ई है। दोस्तों अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ से। कंट्रोल प्लस एफ से जो है फाइंड होता है। किसी शब्द को फाइंड या खोजने के लिए जो है कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं शॉर्टकट का। जैसे कि हम लोग जो है इसमें कोई शब्द ढूंढना चाहते हैं
जैसे मैं ये डॉक्यूमेंट ढूंढना चाहता हूँ कहाँ पर है ये लिखा हुआ, मुझे नहीं पता है, ठीक है, बहुत बड़ा ये पेज है और मुझे नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट कहाँ पर लिखा है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं इसे ढूंढना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, कंट्रोल एफ़ से मैं कीबोर्ड दबाऊँगा, शॉर्टकट मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल एफ़, और यहाँ पर मुझे जो है वो शब्द ढूंढना है जिसे मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, यहाँ पर देखिए सभी के सभी जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हुए थे सब के सब यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है जितने डॉक्यूमेंट लिखा तो जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वो सब हाईलाइट हो गया है। तो यानी कि किसी भी शब्द को ढूंढने के लिए हम लोग कंट्रोल एफ़ यानी फाइंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आपको कंट्रोल एफ़ का भी जो है शॉर्टकट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंट्रोल जी से। तो कंट्रोल प्लस जी का बटन का तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग गो टू के लिए करते हैं, जैसे किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए हम लोग जो है गो टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एक ये पेज मेरा है और नीचे की साइड में मैं आपको दिखा दूँ ये दूसरा पेज है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो दो पेजेस दिखा रहा है, पहला यहाँ से देख सकते हो कट है, ये दूसरा पेज है और ये पहला पेज है। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से जो है कंट्रोल जी बटन दबाऊँगा तो ऐसा एक बॉक्स आएगा और इसमें हमको जो है पेज पर सेलेक्ट रहने देना है, और यहाँ पर हमको क्या करना है पेज नंबर डाल देना है। जैसे मैं पेज नंबर 2 पे जाना चाहता हूँ, अभी मैं कहाँ पर हूँ, पेज नंबर 1 पे हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पर 2 2 टाइप कर देता हूँ, ठीक है, इसके बाद जो है मैं यहाँ पर गो टू क्लिक करूँगा तो देखो कि डायरेक्ट मैं दूसरे नंबर पेज पर आ गया हूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 टाइप कर दूँ और यहाँ पर गो टू कर दूँ तो 1 पे आ गया हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप जो है कंट्रोल जी से गो टू शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप कई सारे पेजेस पे काम कर चुके हैं 50 से 60 पेजेस पे और आप डायरेक्ट जो है 59वां पेज या फिर 58 पेज 40 पेज पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट के बारे में। तो कंट्रोल प्लस एच से जो है रिप्लेस होता है। रिप्लेस मीन्स आपको पता होगा कि बदलना होता है, किसी भी शब्द को रिप्लेस करने के लिए इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल के साथ एच बटन दबाता हूँ तो फिर से ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों चीज़ें इसी में आ रही हैं। ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं, इसकी वजह से ऐसे आ रहे हैं। तो जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पर रिप्लेस पर हूँ और यहाँ पर आपको वो शब्द लिखना है जिसको जो है आप यहाँ से जो है रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है। फाइंड वर्ड मतलब जिस शब्द से आप रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, मैं आपको समझा मतलब यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ फिर समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट की जगह पे मैं अपने नाम अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट है वहाँ वहाँ पर मेरे चैनल का जो है नाम वो लिखा जाए, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट होगा वहाँ वहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिखा जाएगा। फाइंड वर्ड किस चीज़ पे आप लिखना चाहते हो वो ऊपर की साइड में लिखना है और रिप्लेस किस वर्ड से करना चाहते हो वो नीचे की साइड में लिखना है। तो देखिए जहाँ जहाँ पर भी होगा ना, ये देखिए यहाँ पर है, जितने भी जगह पर होगा मैं अभी आपको चेंज करके ही दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया है। मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर गुलाब गुरु मेरा चैनल का नाम आ गया है और ये दूसरा यहाँ पर दिखा रहा है तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी आ गया है, तीसरा यहाँ पर दिखा रहा है तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा नाम आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ये तब हमको काम में आता है जब हम किसी टेक्स्ट के स्थान पे किसी दूसरे टेक्स्ट को लाना चाहते हैं और हम ये जानते नहीं हैं कि वो टेक्स्ट कहाँ कहाँ पर लिखा गया है, तो बस हम यहाँ पर आकर के उसको रिप्लेस कर देंगे, वो ऑटोमेटिक जो है रिप्लेस हो जाता है, वो सब जगह पर वो रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल एच से क्या होता है। कंट्रोल एच से किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस किया जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इटैलिक क्या होता है, तो मैं चलिए आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए इटैलिक का मतलब कि टेक्स्ट को टेढ़ा करना। जैसे कि ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेस्ट को सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि इस तरीके से आपको माउस को ड्रैग करना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस आई बटन जैसे ही आप कीबोर्ड से दबाते हो, कंट्रोल दबा के रखना है, इसके बाद क्या करना है आई बटन दबाना है। तो जैसे ही मैं आई बटन दबाता हूँ तो देखिए ये इटैलिक हो गया ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, देखिए यहाँ पर। इसी तरीके से मैं इसको भी करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल आई,
ठीक है, देखिए थोड़ा सा इटैलिक हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। मैं ये इस पूरे पैराग्राफ को आपको करके दिखा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कंट्रोल आई, देखिए अपने आप जो है यहाँ पर कंट्रोल आई से इटैलिक हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये शॉर्टकट भी जान लिया है कि कंट्रोल आई से क्या होता है। किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए कंट्रोल आई शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई होता है। जस्टिफाइड का मतलब मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए अभी ये जो टेक्स्ट मैंने लिखे हैं वो देखिए इधर से तो बराबर हैं, लेकिन इधर से बराबर नहीं है, कोई इधर कम है, कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई ज़्यादा, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो जस्टिफाइड करने का मतलब ये है कि इधर से भी बराबर होगा, इधर से भी बराबर होगा। जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे वो एक तरफ से बराबर होगा और दूसरे तरफ से बराबर नहीं होगा, तो वो सुंदर नहीं लगता है और अट्रैक्टिव नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो जस्टिफाई करके आप जो है दोनों तरफ से बराबर कर दोगे और जो आप डॉक्यूमेंट बनाओगे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन भी लगता है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप पूरे डॉक्यूमेंट को जो है पूरे टेक्स्ट को ही जस्टिफाई करना चाहते हो, तो कंट्रोल ए के साथ मैंने आपको बता ही दिया सेलेक्ट करना, और कंट्रोल जे जैसे ही दबाओगे आप तो देखिए जस्टिफाई हो गया, इधर भी देखिए पूरा बराबर हो गया। ठीक है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, देखिए ये जितने भी लाइन है पूरे के पूरे बराबर आए हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये लाइन क्यों नहीं बराबर आई, ये मेरे भाई छोटी सी ही लाइन थी, ये पैराग्राफ की लाइन है, जो ये वाले देख सकते हो ये इधर भी बराबर है और ये इस साइड भी बराबर है। ठीक है, तो जस्टिफाई मतलब ये होता है कि टेक्स्ट को दोनों तरफ से इक्वली करना, ताकि टेक्स्ट जो है हमारा काफ़ी सुंदर डॉक्यूमेंट लगे। तो कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई, टेक्स्ट को दोनों तरफ से बराबर करने के लिए कंट्रोल जे शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस के से, तो इसका इस्तेमाल लोग जो है हम लोग जो है हाइपरलिंक के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, हाइपरलिंक। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देख लीजिए ये मेरे चैनल का नाम है गुलाब गुरु, मैं इसके अंदर कोई भी लिंक इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको जो है सेलेक्ट कर लूँगा, इसके बाद जो है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के बटन दबाऊंगा, तो देखिए इस तरीके से एक इस तरह से विंडो आएगी और यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर फ़ोटो को इस लिंक के साथ जो है अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अटैच ही करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इस फ़ोटो को इसके अंदर हाइपरलिंक करने वाला हूँ, तो इसमें मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद ओके कर लूँगा, तो देखिए ये जो है ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, और इसमें जो है मेरा फ़ोटो जो है लिंक हो चुका है। जैसे मैं इस पर लेके जाता हूँ, देखिए ये पूरा URL दिखा रहा है, और मैं जैसे ही इस पर कंट्रोल बटन दबा करके क्लिक करूँगा तो एक नया पेज ओपन होगा, और इस तरीके से जो मैंने फ़ोटो इसके अंदर लगाया था वो फ़ोटो जो है अलग विंडो में ओपन हो जाएगी। तो हाइपरलिंक का मतलब ये है कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर एक हाइपरलिंक क्रिएट कर देना, जिसमें आप डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हो, फ़ोटो वगैरह भी लिंक के माध्यम से उसमें अटैच कर सकते हो। तो यहाँ से आपने हाइपरलिंक का भी मतलब समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एल से, तो इसका होता है लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी कम करके समझा देता हूँ। देखिए अभी क्या है कि टेक्स्ट हमारा जो है इधर से लेफ्ट में अलाइन है, अलाइन का मतलब सीधे में है, लेकिन राइट में अलाइन नहीं है। कंट्रोल ए से इधर आल सेलेक्ट करता हूँ, अभी देखिए ये राइट में अलाइन हो गया है। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। जैसे ये अभी देखिए टेक्स्ट जो है हमारा राइट साइड से अलाइन है, राइट साइड से यानी कि सीध में है, लेकिन जो है लेफ्ट साइड से बिल्कुल भी सीध में नहीं है, इधर उधर बिखरा हुआ है। तो कंट्रोल प्लस जो एल बटन का इस्तेमाल है वो लेफ्ट से अलाइन है, एल से मतलब लेफ्ट। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ एल बटन दबाऊंगा तो देखिए लेफ्ट साइड से अलाइन हो चुका है, यानी जितने भी हमारे लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे वो अलाइन सीधी ही लाइन में होंगे, बल्कि इधर जो है इधर उधर हो सकता है लेकिन इधर नहीं होगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट अलाइन। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस एल बटन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट के बारे में। तो कंट्रोल प्लस एम से जो है इंडेंट होता है, इंडेंट बढ़ाने के लिए। ये क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही कंट्रोल प्लस एम बटन दबाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा देखिए ये जो है हमारा पेज से जो है थोड़ा थोड़ा इंडेंट हो रहा है। ठीक है, बस यही काम है कंट्रोल प्लस एम का। कभी कभार क्या होता है कि हमको अपने टेक्स्ट को आधे ही पेज में लिखना होता है, आधा छोड़ना होता है, तभी ये हमारे काम में आता है। वैसे इंडेंट जो है हमारे ज़्यादा काम में
नहीं आता है। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस एन से न्यू होता है, यानी नया पेज ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एन बटन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नई फाइल ओपन करने के लिए। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, ये फाइल हमारी एक ओपन है, लेकिन इस फाइल पर मैंने कुछ लिखा है और मुझे नई फाइल ओपन करनी है। तो मैं जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंड बटन दबाऊंगा तो बिल्कुल नई फाइल ओपन हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो एकदम से नई है और ये सेव भी नहीं है। तो कंट्रोल प्लस एंड बटन का इस्तेमाल आप सीख गए होंगे कि किसी भी नई फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एंड बटन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस ओ से। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होता है, किसी फाइल को खोलने के लिए जो है कंट्रोल प्लस ओ बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैं कंट्रोल प्लस ओ बटन दबाता हूं, कंट्रोल बटन दबा करके ओ बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा तो देखिए यहां पर काफ़ी सारे फाइल ओपन हो गए हैं। और मैं जिस भी फाइल को ओपन करना चाहूं उसको जो है इस तरीके से क्लिक करके उसे जो है ओपन कर सकता हूँ। यानी कि कंट्रोल प्लस ओ बटन का इस्तेमाल हम पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम जो है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी बटन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट मुझे प्रिंट करना है, तो ऐसे में मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पी बटन दबाऊँगा तो कुछ इस तरीके से पेज आएगा। और ये देखिए प्रिंट का ये डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आ गया है और मैं इसे जो है प्रिंट कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू बटन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं जो है इसे कंट्रोल बी से थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और कंट्रोल आई से जो है इसे इटैलिक कर देता हूँ। तो देखिए इस पैराग्राफ की मैंने जो है फॉर्मेटिंग कर दी है। और अभी मैंने क्या बताया है आपको, कंट्रोल प्लस क्यू से पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को मतलब हटाने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्यू बटन दबाऊँगा तो आप देखोगे जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी इस पैराग्राफ की वो हट चुकी है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है। तो राइट अलाइन के लिए या फिर रीलोड के लिए कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए और इंटरनेट पेज को रीलोड करने के लिए कंट्रोल प्लस आर बटन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने अभी पीछे ही आपको बताया था कि कंट्रोल एल से लेफ़्ट अलाइन होता है, ठीक उसी तरीके से कंट्रोल आर से राइट अलाइन होता है। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड से जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ आर बटन दबाऊँगा तो देखोगे आपकी राइट साइड से यहाँ पर अलाइन हो गया है, लेफ़्ट साइड से नहीं है। तो कंट्रोल एल से क्या होगा, लेफ़्ट साइड से अलाइन। कंट्रोल आर से क्या होगा, राइट साइड से अलाइन। तो ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए कि कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट अलाइन। और यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि रीलोड के बारे में, तो चलिए मैं आपको रीलोड भी करके दिखा देता हूँ। इंटरनेट पेज को रीलोड करने के लिए मैंने आपको बताया है, तो अभी देख सकते हो आप मेरे YouTube चैनल पर हो, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करो यार, आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इतने सारे वीडियो को अपलोड किया है, आप इन्हें देख सकते हो। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है कुछ नहीं करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आर बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये पेज देखिए फिर से रीलोड। दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर या देखिए मैं दोबारा से दिखा दूं आपको, कंट्रोल आर, ये देखिए रीलोड हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो कंट्रोल प्लस आर से पेज को आप रीलोड भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए कंट्रोल प्लस एस बटन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया है और मुझे जो है इसे सेव करना है, तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस एस बटन दबाऊंगा तो देखिए ये सेव का ये जो बटन है ये ओपन हो जाएगा और अब जो है आप इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। यानी कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस बटन का इस्तेमाल हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस टी से। तो कंट्रोल प्लस टी से न्यू टैब ओपन होता है, हैंगिंग आइडेंट होता है, इंटरनेट के ब्राउज़र में नया टैब ओपन करने के लिए
और हैंगिंग आइडेंट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस टी जो है शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल टी से जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए हमारा ये जो पैराग्राफ है वो हैंगिंग इंडेंट हो रहा है, मतलब शुरुआत की जितने भी हमारे पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन जो है सेम है, लेकिन उसकी दूसरी तीसरी लाइन जो है आइडेंट हो रही है। इसी तरीके से आप जितने भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे उसे हैंगिंग आइडेंट कर सकते हो। वहीं यहाँ पर मैंने बताया ब्राउज़र में नया टैब ओपन करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट का इस्तेमाल कोई नया टैब ओपन करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, कंट्रोल प्लस टी बटन दबाते हो तो आप देखोगे एक नया टैब इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट से अंडरलाइन होता है। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे अंडरलाइन लाना है, तो मैं इसको जो है सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बटन दबा के कीबोर्ड से यू बटन दबाऊँगा तो देखोगे यहाँ पर एक अंडरलाइन आ गई है। यानी किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन को ही अंडरलाइन बोला जाता है। आप चाहो तो पूरे पैराग्राफ में भी अंडरलाइन लगा सकते हो कंट्रोल प्लस यू बटन से। तो किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, कॉपी किए गए कट करे हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको कंट्रोल प्लस सी के बारे में बताया था कि कॉपी होता है। जब आप कोई टेक्स्ट को कॉपी करते हो उसके बाद पेस्ट करोगे तभी वो डुप्लीकेट बनेगा, कंट्रोल वी जिसकी शॉर्टकट है। चलिए मैं आपको दोबारा से प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ। देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं और वीडियो प्रोवाइडेड ये जो लिखा हुआ है इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया है कंट्रोल वी से पेस्ट करने के लिए, तो जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर कर्सर लेकर आना है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे तो ये यहाँ पर देखिए वीडियो प्रोवाइडेड जो है यहाँ पर आ चुका है। स्पेस देने के बाद या फिर वैसे भी आप जितनी बार पेस्ट करोगे उतनी बार वो टेक्स्ट जो है पेस्ट होता रहेगा। एक बार जो है आप जिस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हो वो कई बार पेस्ट होता है जब तक आप दूसरा टेक्स्ट ना कॉपी कर लो। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस डब्लू से क्या होता है। तो क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्लू का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्लू से किसी भी ओपन विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये ओपन है और ये विंडो को मैं बंद करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस डब्लू मैं प्रेस करूँगा तो देखिए ये बंद करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसे सेव करना चाहते हो कि नहीं। तो मैं जैसे ही इसे सेव पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए बंद हो गया अपने आप, वो विंडो बंद हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं उसे डोंट सेव पे भी क्लिक कर देता तो भी वो विंडो बंद हो जाती। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है क्लोज, किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से रीसाइज भी होता है, यानी किसी भी फ़ोटो को किसी भी डॉक्यूमेंट को उसका साइज़ कम करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का एमएस पेंट में जो है इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग एमएस पेंट सीखेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट जो है वीडियो बना करके एमएस पेंट की पूरी कंप्लीट जानकारी आपको बताऊँगा। फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है। तो इससे कट हो जाता है और कट करके ही आप पेस्ट करोगे, इससे जो है टेक्स्ट को कट करते हैं। जैसे मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बस दो और बचे हैं, बस वीडियो में आप पूरा बने रहें। देखिए जैसे कि ये जो गुलाब गुरु लिखा हुआ है मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए था तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स बटन दबाऊँगा तो वो कट हो गया वहाँ से। ठीक है, मुझे कहाँ पर चाहिए था, यहाँ पर चाहिए था तो मैं यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल के साथ वी बटन दबाऊँगा यानी पेस्ट कर दूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और जब आप किसी टेक्स्ट को कट कर दोगे या फिर कॉपी कर दोगे तो आप उसे कई बार जो है पेस्ट कर सकते हो, कई बार आप पेस्ट करते चले जाओगे वो आ जाएगा। कब तक आएगा, जब तक आप दूसरे टेक्स्ट को जो है कॉपी या कट नहीं कर देते हो। तो कट और कॉपी सेम है, लेकिन कट करने से वो टेक्स्ट वहाँ से हट जाता है, कॉपी करने से वो वहीं पर रहता है, उसकी डुप्लीकेट आप बना सकते हो। कट करने से वो वहाँ से हट जाएगा, उसका दोबारा से आप दूसरी जगह पर उसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये जो दोनों चीज़ें आपको समझ जानी है, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड की, दोनों की सेम उल्टे हैं ये दोनों, इसलिए मैं दोनों की जानकारी एक ही साथ दे दूंगा आपको कि कंट्रोल वाई से रीडो होता है, रीडो करने के लिए और अंडो में छुपाने के लिए और इसको दिखाने के लिए, आप इस तरीके से नॉर्मल भाषा में समझ सकते हो। कंट्रोल प्लस वाई से रीडो होता है और कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होता है।
तो मैं आपको प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ। जैसे देखिए, मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए वो डिलीट हो गया है, लेकिन मैं कंट्रोल जेड से अंडो करता हूँ तो वो जो है दोबारा से वापस आ गया है। देखिए यहाँ पर कंट्रोल वाई से रीडो कर दूंगा तो वो गायब हो जाएगा, कंट्रोल वाई से जेड से अगर अंडो कर दूंगा तो वो आ जाएगा। वाई से चला गया, जेड से आ गया। वाई से रीडो होता है और कंट्रोल जेड से अंडो होता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग जो है ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें गलत हो जाती है। मान लीजिए इसको हम कट कर दिए और हमें वो लगा कि ये चीज़ सही थी, तो हम कंट्रोल जेड से इसको अंडो भी कर सकते हैं, ठीक है, और कंट्रोल वाई से इसको रीडो भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड और वाई एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये शॉर्टकट जो मैंने आपको बताए हैं, इसे आप जो है अपने नोटबुक में ज़रूर से नोट कर लीजिए और इस वीडियो को आप एक बार और ज़रूर देखिए, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसको लिखने के बाद एक बार आप अपने कंप्यूटर पर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताए हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। जब भी आप नॉर्मली कोई भी काम करोगे, चाहे आप एडवांस लेवल पे काम करो या फिर नॉर्मली भी काम करो सामान्य रूप से कंप्यूटर पर, तो भी इन शॉर्टकट्स के इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। और भी शॉर्टकट्स हैं कंप्यूटर के, जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई सब्सक्राइब करो यार, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, तो सब्सक्राइब करके सीखो ना बिल्कुल फ्री में। यहाँ तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।